ये एमओयू जो जम्मू कश्मीर सरकार ने बिना स्टेट सब्जेक्ट बिना डोमिसाइल के जो रियल इस्टेट वालों के साथ 39 एमओयू हस्ताक्षर किए हैं उनकी कॉपीज को ये जलाया जा रहा है। रियल इस्टेट के साथ एमओयू मंजूर नहीं है। डेमोग्राफी का बदलना बंद करो, हमारी रियासत वापिस दो, हमारी रियासत वापिस दो। 39 एमओयू यो जम्मू कश्मीर सरकार ने रियल इस्टेट वालों के साथ सबमिट में हस्ताक्षर किए हैं उसकी कॉपीज को हम जला रहे हैं, क्योंकि ये रियल इस्टेट के साथ एमओयू है जो ये बिना स्टेट सब्जेक्ट के है, बिना डोमिसाइल के है और ये हमें कतई मंजूर नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत के डेमोग्राफी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा किया जाए। पीओके गिलगित बल्तिस्तान जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसे जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल किया जाए। इसी बात को लेकर के आज जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर हम ये प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू के जो नेता है वो एक साथ हो जाएं, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब, रमन भल्ला जी, चौधरी लाल सिंह जी, हर्षदेव जी, भीम सिंह जी, शिवसेना के जो मनीष साहनी और इसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एमके भरद्वाज साहब, चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी और दविंदर राणा जी, सुरजीत सिंह सलाथिया जी और साथ में श्यामलाल शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी से भी ये कहना चाहते हैं कि आप जो डोगरा रियासत की बात करते हैं, आज डोगरा रियासत की विरासत जो है, डेमोग्राफी जो है वो खतरे में है, इसको लेकर के आपका क्या मुवक्कफ है। और हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि 39 एमओयू हमें इसलिए मंजूर नहीं है कि आप बहुत कम कीमतों के ऊपर जमीनें उनको दे रहे हैं, रियल इस्टेट अपार्टमेंट बनाने वाले को सब्सिडाइज रेट के ऊपर दे रहे हैं, बिना डोमिसाइल बिना स्टेट सब्जेक्ट के दे रहे हैं। और साथ में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने डॉक्टर्स, बेरोजगार नौजवान, पैरामेडिकल स्टाफ इन अपार्टमेंट्स में रहेंगे। और अफसोस की बात तो यह है, जब आप अपार्टमेंट बनाने की परमिशन